तुम्हारी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, बट मेरी नहीं है। देखो ये बात लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है। अभी आएगी ना वो कौन सी आहार जिंदगी, जिंदगी जो डियर जिंदगी, कौन सी बुकी आएगी डियर जिंदगी आएगी। आलिया भट्ट को भी तरह शाहरुख खान के पास जाना पड़ा, डिप्रेशन में चली गई थी, कभी इसके साथ में रिलेशनशिप, कभी उसके साथ में, वहां से ब्रेकअप हो रहा, वहां भी वहां से ब्रेकअप हो गया, वहां भी उसने हर्ट किया, वहां भी फाइनली शाहरुख खान के पास चले गए साइकियाट्रिस्ट के पास। इससे बेटर अपना अपना काम से मोहब्बत कर लेते, माँ बाप से मोहब्बत कर लो, बाद में भगवान ब्रह्मा है ना ब्रह्मा, तो अपने आप आपके अकॉर्डिंग एक वर्ग आर क्या बोलते हैं वर्ग के अलावा वधु ऊपर वधु मिला देंगे। नहीं तो क्या होगा, कोई बात नहीं, वक्त आने दो, वक्त आने दो, हो जाएगा, बट ये 19 साल की उम्र नहीं है, वक्त आने दो, सब कुछ हो जाएगा, और जब धन आ जाएगा, कामयाबी आ जाएगी, तो अच्छे से होगा। आज की डेट में लोग खैरियत नहीं पूछते हैं, लोग हैसियत पूछते हैं। सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं, तो अपनी हैसियत को बढ़ा लो ना, सब कुछ अच्छा मिलेगा। अभी आप काम पे सही सही बात, जो बैड हैबिट्स में आप सिगरेट क्यों पी रहे हो, जाओ गांजा भी पियो। मैं तो कह रहा हूं डूब जाओ पड़े रहो 24 घंटे, कहीं किसी नाले में पड़े निकाले जाओ। तो इसमें थोड़ा सा मतलब कंट्रोल करो ना, ये फैशन नहीं चल रहा है ना, तो वो मत करो जो फैशन है, फैशन वो है जो आप नहीं कर रहे हो। टुडे इफ यू आर नॉट इन एनी काइंड ऑफ बैड एडिक्शन, एडिक्शन पैदा करना कहां का पैदा करो, राइट और नॉट, और वो होगा तो मजा आ जाएगा, और ऐसे खूबसूरत बीतेगी ना, मजा आ जाएगा आपको बताओ। और रही बात आप थोड़ा ट्राई ट्राई वाई तो सब किया है, और तभी मैं सलाह दे रहा हूँ, तभी मैं सलाह दे रहा हूँ, जो आप बोल रहे हो, जो शायद कर रहे हो, कुछ चीजों को छोड़ के सब पढ़ाई होती है, लेकिन उनसे निवृत्त होने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, तब मैं आपको बोल रहा हूँ कि राइट डायरेक्शन चूज कर लो। मेरे कोई काम मिला, मैंने उसको चूज कर लिया और सारा भूल गया, राइट। लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन है, लोग डूबे हुए हैं, लोग मल्टीपल रिलेशनशिप में सारे इतना इंगेज है कि काम पे ध्यान ही नहीं दे रहे, काम पे ध्यान दे रहे, पढ़ाई पे ध्यान दे रहे, और जो कीमती वक्त है वो निकला जा रहा है। आपको पता है जितने भी कामयाब लोग हैं अगर आप उसका इतिहास देखोगे, उन्होंने 18 से 25 साल की एज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है, बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया, 18 से 25 साल की एज को ना बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। जितने भी आप किसी का भी देख लो, आप एलन मस्क को देख लो, आप स्टीव जॉब्स को देख लो, आप किसी बड़े बिजनेसमैन को देख लो, किसी पॉलिटिकल लीडर को देख लो, उन्होंने कॉलेज लाइफ के टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। आपको भी एक मौका देते हैं, अच्छे से यूटिलाइज करो, इस समय को मत खराब करो। नाउ वी विल कम टू द परफॉर्मेंस, जबरदस्त।